नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सअप और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका पैरट खाना ना खाए तो उसका क्या इलाज करें। और चलिए हम लोग इस बात पे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, बहुत सारे सवाल थे, तो आज इस पे बात कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। देखिए, आपको पैरट खाना नहीं खाता है, इसका मतलब ये है कि उसके पेट में जो सही से हजम नहीं हो रहा, जो खाना खा रहा है सही से वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपका पैरट जो है वो खाना नहीं खाता है। इसका सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया इलाज है ये, जो आप न्यू पेप्टिन ड्रॉप आता है, आप ये पिक में देख रहे हैं, न्यू पेप्टिन ड्रॉप, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। इंडिया में तो कहीं भी मिल जाता है, चूँकि मैं इंडिया से ही हूँ, और पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे जो फॉलोवर हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और दूसरे कंट्री में भी हैं, दूसरे कई चार पांच कंट्री से देखते हैं मेरे वीडियोज़, मुझे पता है यहाँ पे शो करता है मुझे, तो हो सकता है वहाँ पे भी मिल जाता हो न्यू पेप्टिन ड्रॉप। और नहीं तो वहाँ पे आप मेडिकल वाले से पता कर लेना कि बर्ड्स के लिए कौन सा जो है पेट में, क्योंकि डाइजेशन के ही प्रॉब्लम से इसका जो ट्रीटमेंट है वो डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करना है आपके बर्ड्स को, और किसी भी बर्ड्स को आप दे सकते हो। ये आपके पास कोई भी पैरट हो या कोई भी बर्ड्स हो तो आप न्यू पेप्टिन ड्रॉप उसको दे सकते हो। देने का तरीका ऐसे है कि ड्रॉप में आपको इसके अंदर ड्रॉप रहता ही है, उसे निकालना है और दवाई का दो या तीन ड्रॉप आपको मॉर्निंग में 3 ड्रॉप दे दीजिए, 2 या 3 ड्रॉप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। 2 ड्रॉप भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और टेस्ट अच्छा होता है, आपका पैरेट खा लेगा इसे। तो 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप मॉर्निंग में दे दीजिए, फिर इवनिंग में 2 टाइम दीजिए इसको, बहुत जल्द आपका पैरेट परफेक्ट तरीके से खाने लगेगा। और आपके ये भी बता देते हैं कि अगर आपका खाना नहीं खाता है पैरेट तो बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा, हलचल करने लगेगा, आपका पैरेट चहकने लगेगा पहले जैसा, और पंख झड़ने का भी अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको पेट के वजह से, डाइजेस्ट अगर सही से खाना डाइजेस्ट नहीं कर रहा है तो उसके पंख वंख भी झड़ने लगते हैं, फेदर भी ख़राब होने लगता है, तो जो ग्लो है, जो शाइनी है, शाइन ख़त्म होने लगता है उसके फेदर से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे इस न्यू पेप टिन ड्रॉप से। तो ये दीजिए, और यही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।